हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा पहली की गणित की पुस्तिका से अध्याय सात, कितने मेरी मुट्ठी में। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में आप यहाँ देख पाएंगे मुट्ठी खेल। आइए देखें ये खेल हमें किस प्रकार से करना है। मेज पर नौ या नौ से कम वस्तुएं लें जो बच्चे की मुट्ठी में आ सकें, जैसे कंकड़, बीज, चौक आदि। बच्चों के दो समूह बनाएं। एक समूह के एक बच्चे को कुछ वस्तुएं एक मुट्ठी में लेने के लिए कहें। अब दूसरे समूह के बच्चों से पूछें कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि बच्चे की मुट्ठी में कितनी वस्तुएं हैं। इसी प्रकार दो तीन बार यह खेल सभी बच्चों के सामने करवाएं, फिर बच्चों को स्वयं खेलने दें व नीचे दी गई तालिका भरने को कहें। तो सभी बच्चों को ये खेल करना है। किस प्रकार से करना है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपको नौ या नौ से अधिक वस्तुएं लेनी है, छोटी वस्तुएं जो आपकी मुट्ठी में आ सकें, जैसे बीज है या छोटे चौक के टुकड़े हैं या कोई कंकड़ है, वो आपको लेने हैं। और एक समूह का एक बच्चा कुछ कंकड़ अपनी मुट्ठी में लेगा, जिसका अनुमान दूसरी टीम का बच्चा लगाएगा कि वो कंकड़ उसके हाथ में उसकी मुट्ठी में कितने हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टेबल वन पर, ये है टेबल वन, इसमें यहाँ नौ बीज लिए गए हैं और उन नौ बीजों को ये लड़का अपनी मुट्ठी में लेता है। अगली टेबल में देखें, यहाँ इसने ये नौ बीजों में से कुछ बीज अपनी मुट्ठी में ले लिए हैं। मुट्ठी में लेने के बाद आप देखेंगे बचे हुए बीज कितने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये बीज यहाँ पांच हैं, तो सोच कर बताएं इसकी मुट्ठी में कितने बीज होंगे। बच्चों, इसका जवाब हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि इसकी मुट्ठी में कितने बीज होंगे। कुल बीज थे हमारे पास नौ। अब उन नौ बीजों में से हमारे पास यहाँ शेष बचे हैं पांच। तो जब नौ में से पांच बीज हम ये घटाएंगे, तो वो उत्तर जो आएगा हमारे पास, नौ में से पांच घटाने पर आया चार। तो चार बीज उसकी मुट्ठी में हैं। तो इस एक्टिविटी से, इस गतिविधि से हम घटाना सीख सकते हैं किस प्रकार से हमें घटाना है। बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका घटाने का अभ्यास होगा। आइए नीचे दी गई तालिका को देखें। यहां आप देख सकते हैं एक तालिका दी गई है, तुम्हारी बारी। दोस्त ने मुट्ठी में कितने कंकड़ बताए, मुट्ठी में कितने कंकड़ निकले। यहां ये बारियां दी गई हैं लेफ्ट साइड में, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी और चौथी बारी। आप इस गतिविधि को अपने भाई बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ भी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे इस गतिविधि को करें और इस तालिका को पूरा करें। आइए आगे चलें। बच्चों, अगले पेज पर है बाकी बचे। यहां आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियां हैं। कितनी गाड़ियां हैं, आइए इन्हें गिने। एक, दो, तीन, चार, पांच। कुल गाड़ियां हैं पांच। अब यहां लिखा है पांच में से दो जा रही हैं, बचेंगी तीन। तो टोटल थी यहां गाड़ियां पांच, और उस पांच में से दो गाड़ियां चली गई। ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं दो, एक ये और एक ये। तो अब हमारे पास कितनी गाड़ियां बची कुल, हमारे पास बची तीन गाड़ियां, एक, दो, तीन। बच्चों, ये हमने किस प्रकार से बताया कि तीन बची हैं। इसके लिए आपको घटा करना होगा। टोटल गाड़ियां जितनी हैं, कुल गाड़ियां कितनी हैं पांच, और पांच में से कितनी चली गई, पांच में से गई दो। तो जब पांच में से हम दो घटाएंगे
तो हमारे पास जो जवाब है वो आएगा 3, जो बची हुई गाड़ियां हैं। आइए आगे देखें। आगे आप देख पाएंगे यहां इस पिक्चर में दिए गए हैं 8 हवाई जहाज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल जहाज कितने हैं? 8। 8 में से 2 जा रहे हैं, बचेंगे 6। अब 8 में से आप देखेंगे यहां ये 2 जा रहे हैं, तो कुल कितने बचे? कुल यहां लेफ्ट साइड आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल बचेंगे 6 जहाज। और ये कैसे आया? 8 घटा 2, यानी टोटल 8 में से 2 चले गए, तो हमें यहां इसको घटाना होगा। तो 8 में से जब 2 घटाएंगे तो ये आएगा 6। 8 घटा 2 बराबर 6। आइए अगले में देखें। अगली पिक्चर में आप देख पाएंगे यहां कुछ गुब्बारे हैं, और वो कितने गुब्बारे हैं? आइए इन्हें काउंट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल गुब्बारों की संख्या है 6। तो जब 6 गुब्बारों में से एक गुब्बारा चला गया तो इसके पास यहां कितने बचे? इसके पास बचेंगे कुल 5 गुब्बारे। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 6 घटा 1 बराबर है 5। जब हम 6 वस्तुओं में से एक निकाल देंगे तो हमारे पास कितनी वस्तुएं बचेंगी? हमारे पास बचेंगी 5 वस्तुएं। आइए अगला देखें। आगे यहां आप देख सकते हैं मेंढक हैं, और कुल कितने मेंढक हैं? आइए इन्हें काउंट करें। 1, 2, 3, और एक ये पानी में जो छलांग लगा रहा है, ये 4। तो यहां हमारे पास कुल मेंढक थे 4, और 4 में से एक ने लगा दी छलांग पानी में, तो बाहर कितने बचे? बाहर बचे 3। कैसे आया? 4 में से जब एक घटाया तो उसमें से बच गए 3। इस प्रकार से आप घटाना सीख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने घर पर कुछ छोटी छोटी वस्तुएं लें और उनमें से कुछ निकाल दें, कुछ ऐसी गतिविधियों से भी आप घटाना सीख सकते हैं। तो आइए आगे चलें। आगे है बाकी बचे। नगमा ने 5 फूलों में से 2 फूल भाई को दे दिए, यानी नगमा के पास थे कुल 5 फूल, और उसने अपने भाई को दे दिए उन 5 फूलों में से 2 फूल। तो उन 5 फूलों में से नगमा ने 2 फूल यानी घटा दिए, हमें घटाने हैं। तो अब नगमा के पास कुल कितने फूल बचे? तो नगमा जब 5 में से 2 दे देगी तो उसके पास बचेंगे कुल 3 फूल। तो 5 में से निकाले 2, बचे 3, यहां आएगा 3। आइए अगला प्रश्न देखें। आगे है भोलू की शादी वाले दिन 6 जग में से 4 जग टूट गए, कितने जग नहीं टूटे? तो कुल जग थे 6 और उनमें से 4 टूट गए। यहां आप देख सकते हैं कितने टूटे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 जग जो है वो टूट गए। तो अब सही जग कितने बचे? 1 और 2। तो 6 में से जब 4 गए तो वो बचे 2। आगे देखें। आगे है मां ने टोकरी में 5 आम रखे थे, यहां टोकरी में कितने आम थे? 5। रितु ने 5 आम में से 1 आम खा लिया। तो रितु, यहां आप देख सकते हैं रितु के हाथ में एक आम है, वो एक आम इसने खा लिया। तो अब टोकरी में कितने बचे? आइए इन्हें गिनें। 1, 2, 3, 4। तो यहां 5 में से जब एक गया तो बचे टोटल 4। कुल कितने बचे? 4। आइए अगला देखें। आगे है
तेज हवा चलने से टहनी के 9 पत्तों में से 4 पत्ते टूट गए। तो कुल कितने पत्ते थे आइए गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल पत्ते थे 9 और उन 9 में से 4 टूट गए। यहां आप देख सकते हैं ये टूट के नीचे गिर रहे हैं, तो 4 पत्ते टूट गए। अब कितने बचे यहां ऊपर गिने, टहनी पर कितने पत्ते हैं बच गए जो, 1, 2, 3, 4, 5। तो टहनी पर कुल पत्ते बचे 5। जब 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 5। आइए आगे चलें बच्चों। आगे है कितने अंदर कितने बाहर। खेल को 9 या 9 से कम वस्तुएं लेकर बच्चे अपने साथियों के साथ टोपी या गिलास लेकर खेलें, सभी बच्चों को मौका दें। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने इस अध्याय के शुरुआत में एक गतिविधि की थी 9 बीजों के साथ, उसी प्रकार हमें यहाँ इसमें करनी है। उस गतिविधि में हमने वो बीज अपनी मुट्ठी में उठाए थे, लेकिन यहाँ इस गतिविधि में हमें क्या करना है, कुछ बीज अपनी टोपी के नीचे छिपाने हैं। तो यह गतिविधि भी आप अपने माता पिता या भाई बहन के साथ कर सकते हैं। आइए देखें यह किस प्रकार से होगी। हमारे पास कुल 9 बीज हैं, बताओ टोपी के नीचे कितने बीज हैं। तो यहाँ ये कुल थे 9 बीज। अब 9 बीज में से कुछ टोपी के नीचे रह गए और कुछ यहाँ शेष बचे। अब शेष जो बचे हैं उन्हें काउंट करें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो बचे हुए बीज हैं वो हैं 6। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि टोपी के नीचे कितने बीज हैं, इसके लिए सरल उपाय यही है, जितने कुल बीज हैं 9, 9 में से बचे हुए बीजों को घटा दें, वो हमारे जो बराबर आएगा उसके, वो आएगा कि टोपी के नीचे कुल कितने बीज हैं। तो हमने 9 में से जब 6 घटाए तो बराबर आया 3। तो इसका मतलब टोपी के नीचे कितने बीज हैं, टोपी के नीचे हैं कुल 3 बीज। आप सब अपने घरों में ये गतिविधि करके देखें। आइए आगे देखें, हमारे पास कुल 9 बीज हैं, टोपी के नीचे कितने बीज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुल 9 बीज थे, 9 बीज में से 3 बीज बाहर हैं और बाकी के टोपी के नीचे हैं। अब टोपी के नीचे कितने हैं ये हम कैसे पता लगाएंगे, इसका सरल सा उपाय है निकालने का, कुल बीज थे 9 घटा जो बीज बचे हैं, और बचे कितने हैं 3। तो जब 9 में से हम 3 घटाएंगे तो वो हमारा बराबर आएगा 6 के, तो यानी टोपी के नीचे जो है वो 6 बीज हैं। इसी प्रकार अगले में देखें, यहाँ आप देखेंगे कि कुल हैं बाहर जो बीज है वो है 4। कुल बीज थे हमारे 9, 9 में से जब हम 4 घटाएंगे तो ये बराबर आएगा 5 के, तो यानी टोपी के नीचे जो है वो 5 बीज हैं। आइए आगे देखें, अगले जो ये भाग दिए गए हैं चारों, 1, 2, 3, 4, सभी बच्चे इन्हें स्वयं करें। 9 में से जो दिए गए हैं बाहर बीज दिए गए हैं, इनको घटाएं और पता करें कि टोपी के नीचे कितने बीज हैं। आइए आगे चलें, आगे है कितने अंदर कितने बाहर, बताओ गिलास के अंदर कितने गिलास के बाहर कितने। कुल बीजों की संख्या यहाँ दी गई है 7, तो कुल बीज हैं 7। पहले जिस प्रकार हमने इससे पहले वाली गतिविधि में 9 बीजों के साथ किया था, अब हमें यहाँ करना है 7 बीजों के साथ, तो टोटल है 7 बीज। अब इसमें देखें, यहाँ ग्लास के नीचे कुछ बीज हैं और बाहर सिर्फ एक बीज है, तो ग्लास के बाहर कितने हैं, एक जो हमें दिखाई दे रहा है, और ग्लास के अंदर कितने होंगे ये हम कैसे पता करेंगे। कुल बीज थे 7,
जब हम सात में से एक घटाएंगे जो बाहर है तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा जो बीज ग्लास के अंदर हैं। तो ग्लास के अंदर कितने बीज हैं? वो हैं छह बीज। आइए आगे देखें। अगले में आप देख पाएंगे कि ग्लास के बाहर छह बीज हैं, तो यहां लिखें छह बीज, और ग्लास के अंदर कितने होंगे? सात घटा छह, तो वो बराबर आ जाएगा जो ग्लास के अंदर है, यानी ग्लास के अंदर एक बीज है। इसी प्रकार से अगला भाग करें। आइए आगे चलें। आगे है घटाते जाओ बिंदियां बनाते जाओ। पहले वाले बॉक्स में है चार बिंदियां, घटा का निशान यहां बीच में आप देख पाएंगे घटा, और अगले बॉक्स में है दो बिंदियां, यानी हमें चार में से दो बिंदियां घटानी हैं। तो जब चार में से हम दो घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? हमारे पास बचेंगी दो बिंदियां ही। तो इस प्रकार से यहां दो बिंदियां बनाएं। अगला भाग देखें। अगले भाग में है पहले बॉक्स में तीन बिंदियां और दूसरे बॉक्स में है एक बिंदी। तो जब तीन में से हम एक घटाएंगे तो हमारे पास कितनी बिंदी बचेंगी? हमारे पास बचेंगी दो बिंदियां। तो इस प्रकार से यहां इस बॉक्स में दो बिंदियां बनाएं। आइए आगे देखें। आगे यहां आप देख पाएंगे इस बॉक्स में दी गई हैं कितनी बिंदियां? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बिंदियां कुल, और उन आठ बिंदियों में से हमें घटानी है छः बिंदियां। तो जब आठ में से छः बिंदियां हम घटाएंगे तो बिंदियां कितनी बचेंगी? दो। आठ में से छः घटाया तो हमारे पास बचा दो। तो इस प्रकार से यहां इनको बनाएं। अगले बचे हुए तीनों भाग आप स्वयं करें और बताएं यहाँ कितनी बिंदियां आएंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।